गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल? गुड इवनिंग प्रणत। तो कल की क्लास में हम लोग ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स कर रहे थे, एंड वी हैव टेकन दैट देर आर फोर ऑपरेशंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दीज आर द टू ऑपरेशन, देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर एज यूजुअल। जो ऑपरेशंस, चार ऑपरेशन जो है रियल नंबर्स पे थे, वही चार ऑपरेशंस हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए वर्कआउट कर रहे थे। ऐड करते समय हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजरी पार्ट को इमेजरी पार्ट से ऐड करते हैं। सो वी डू इन सब्ट्रैक्शन, रियल पार्ट माइनस रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ सब्ट्रैक्टेड नंबर, जेड वन माइनस जेड टू इज इमेजिनरी जेड वन माइनस इमेजरी जेड टू। मल्टीप्लाई करते समय क्या किया था वो भी आपने देखा था, और डिवाइड करते समय हम रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि जेड वन बाय जेड टू मीन्स जेड वन मल्टीप्लाइड बाई वन बाई जेड टू, है ना। और रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट क्या है, तो वन ओवर जेड, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का रेसिप्रोकल चाहिए हमें, वन ओवर जेड इज एक्चुअली जेड बार ओवर जेड इंटू जेड बार। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है मैग्नीट्यूड ऑफ जेड का स्क्वायर, जैसे कि वन ओवर एक्स प्लस आयोटा वाई इज एक्चुअली एक्स माइनस आयोटा वाई विच इज कॉन्जुगेट अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसी बात को हम अगर यूज करते हैं तो जेड वन इंटू जेड टू, जेड वन अपॉन जेड टू जो होगा, इट कम्स आउट टू बी जेड वन इंटू जेड टू कॉन्जुगेट अपॉन मॉड जेड टू का होल स्केयर, एंड देयर फॉर इट कैन टर्न आउट टू बी जेड वन इंटू जेड टू बार अपॉन एक्स टू स्केयर प्लस वाई टू स्केयर। ठीक है, और फिर इसको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जैसा वर्कआउट कर लेते हैं। तो इतना डिस्कशन हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। ये क्वेश्चन फटाफट आंसर करके बताइए, जेड इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा रूट थ्री अपॉन टू आयोटा इंटू कॉस पाई बाई थ्री प्लस आयोटा साइन पाई बाई थ्री, सिंप्लीफाई, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस नंबर। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऐसे केस को करना है तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो नंबर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। जेड इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा रूट थ्री इज ओके अपॉन टू आयोटा एज इट इज रखो, ये क्या है, कॉस पाई बाई थ्री प्लस आयोटा साइन पाई बाई थ्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इज वन बाय रूट थ्री, नो रूट थ्री, कॉस 60, एक सेकेंड, कॉस 60 डिग्री है ना, हाफ, इट इज हाफ प्लस आयोटा साइन 60 इज रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू। अब आप देखोगे तो ये जो टू है और ये अपॉन टू कैंसिल होकर के ये अगले स्टेप में क्या आएगा, ये आएगा वन प्लस आयोटा रूट थ्री अपॉन आयोटा टाइम्स वन प्लस आयोटा रूट थ्री, एंड देयर फॉर वन प्लस आयोटा रूट थ्री तो स्ट्रेट अवे कैंसिल हो गया, ये आ गया वन बाई आयोटा, वन बाई आयोटा इज एक्चुअली आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो अगर, तो इट इज माइनस आयोटा, आयोटा बाई माइनस वन, तो इट इज माइनस आयोटा। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, वो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू भाई आयोटा, माइनस आयोटा मतलब क्या है, जीरो प्लस माइनस वन इंटू आयोटा, एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा आएगा, एक्स इज जीरो वाई इज माइनस वन, तो अंडर रूट ऑफ जीरो प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर आ गया वन, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के लिए आपको पता ही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर लोकेट करोगे इस नंबर को रियल और इमेजिनरी एक्सिस के प्लेन पर, तो माइनस आयोटा इज समवेयर हेयर, इसका वेक्टर ऐसे फॉर्म होगा, इसका एंगल ऐसे, तो आर्ग्यूमेंट इज थ्री पा, नहीं सानिया क्या वाल क्या आंसर कर रहे हो बेटा, माइनस आयोटा, माइनस आयोटा ये वर्टिकल वेक्टर है,
रियल एक्सिस से 3π/2 एंगल बनेगा, 270 डिग्री, और -π/2 भी बोल सकते हैं अगर रिवर्स में एंगल मेजर किया जाए क्लॉकवाइज, या इसी को 270 डिग्री भी बोल सकते हैं और -90 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो मॉड जेड आ गया, आर्गुमेंट जेड आ गया, मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, डिवाइड कैसे कर रहे हैं देख रहे हैं। हाँ क्या बोल रहे बेटा? हाँ एक्स एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस के लिए भी जीरो नहीं होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर, जो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं उनका आर्ग्यूमेंट जीरो है, नेगेटिव रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट 180 या पाई है, और पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट वाली कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है प्योरली इमेजिनरी नंबर उनका आर्ग्यूमेंट π/2 है, और नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट जिनका उनका -π/2 या 3π/2 है। आई होप नाउ यू यू कैन रिकॉल। या अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा है, चारों ऑपरेशंस पढ़े हैं उसमें से एडिशन सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा सा देख लो, उसी से ट्रायंगल इनइक्वालिटी मैं आपको समझाता हूँ, व्हाट इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। फर्स्ट यू राइट डाउन ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इसको हमने मॉड्यूलस में भी आपको बताया था, ठीक है, और मैंने बोला था कि जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर टेकअप करेंगे देन यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी। सो इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन let me tell you how to add two complex numbers geometrically, है ना? तो उसके लिए बेटा ये डायग्राम मेरे साथ साथ आप बनाते जाओ। ये respectively real and imaginary axis है, ये real axis है horizontal one, ये real axis है और ये imaginary axis है, this is origin, you know well। अब एक complex number है Z1, उसका वेक्टर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म मान लो x1 प्लस आइटा y1, ऐसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करो, और एक दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 x2 प्लस आइटा y2, मान लो ये। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं जैसे कि हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, ठीक है? तो ऑब्वियस बात है कि अगर ये नंबर Z2 है तो ये पॉइंट जो है इसको हम Z2 बोलेंगे, ये x2 प्लस आइटा y2, और अगर ये पॉइंट की बात करो बिकॉज ये नंबर Z1 का वेक्टर है तो ये Z1 हो गया x1 प्लस आइटा y1। ठीक है जी, तो वी आर टॉकिंग ऑफ दीज टू नंबर्स, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट है Z1 एंड Z2। In order to get Z1 plus Z2, Z1 और Z2 का जो summation vector है, summation को अगर हमें find करना है तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को law of parallelogram से add करेंगे। अब parallelogram complete करो, ठीक है, parallelogram complete करने के लिए क्या करना होता है, तो OA और OB, let me mark this as A and this as B, तो ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू OA फ्रॉम B, तो B से OA के पैरेलल एक अगर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं इक्वल लेंथ का, जितना लेंथ OA का है, एंड देन ज्वाइन, इट इज द पैरेललोग्राम, सपोज दिस द पैरेललोग्राम, राइट, OA इज इक्वल टू BC, ये C पॉइंट है सपोज करो, तो जो OC है, OC इट इज द रिजल्टेंट ऑफ समेशन, ये OC है, OA और OB का सम, मतलब ये Z1 प्लस Z2 है, तो ये पॉइंट क्या हुआ, यहां मार्क करो C इज व्हाट, Z1 प्लस Z2, क्यों, क्योंकि ये Z1 है और ये दोनों इक्वल है ना, तो इसको हम Z2 बोल सकते हैं ना, पैरेलल इक्वल, तो Z2 वेक्टर हो गया। हेड टू टेल ऐड करते हैं तो Z1 वेक्टर ये है और Z2 ये है, तो ये क्या हो गया, this one is called Z1 plus Z2, I hope you agree, this is Z1 plus Z2,
एंड सिमिलरली जो अब यहां देखो नाउ बेटा आई कांट हेल्प यू आउट बिकॉज अगर वॉइस नहीं क्लियर है, अगर सभी को नहीं क्लियर है, एक मिनट लेट मी कंफर्म, अदरवाइज आपका नेटवर्क में कुछ इश्यू होगा. सारे बच्चे जरा कंफर्म करें बेटा, इज द वॉइस क्लियर टू यू? ओके क्या क्या किया था हम लोगों ने इसमें, इसको एक बार फिर से देखते हैं. हमने बोला कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 x1 प्लस iota y1, तो डेफिनेटली ये x1 कॉमा y1 पॉइंट पर होगी, a पॉइंट पर. एंड अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर इज x2 प्लस iota y2, इट इज x2 कॉमा y2 पॉइंट b इन आर्गन प्लेन. a डिनोट्स z1, b डिनोट्स z2, तो oa वेक्टर इज द वेक्टर ऑफ z1, ob वेक्टर इज वेक्टर ऑफ z2 एंड वी विश टू ऐड z1 एंड z2. तो पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, OA के पैरेलल B से एक लाइन OBC ड्रॉ की, BC इज पैरेलल टू OA एंड OB इज पैरेलल टू AC, तो ये पैरेललोग्राम हो गया. अगर ये OB Z2 है और AC पैरेलल है तो AC भी Z2 हो गया, फिर Z1 और Z2 का हेड टू टेल एडिशन से OC इज रिजल्टिंग सम आ गया. ठीक है, तो अब हम बोल रहे हैं कि लुक एट दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल की तरफ देखो. कौन से ट्रायंगल की बात करें हम लोग? लुक एट द ट्रायंगल OAC. In triangle OAC, can I say that OA plus AC is always greater than OC? Triangle inequality तो यही होती है ना कि दो sides का सम, किसी भी triangle में दो sides का सम तीसरी side से बड़ा होता है. OA क्या है बेटा? OA length है z1, तो OA is mod z1. And what is AC? AC is mod of z2. And greater than what is OC? OC is mod of Z1 plus Z2. अब हम देखते हैं, इससे प्रूव हो गया ना, mod Z1 plus mod Z2 is greater than mod Z1 plus Z2. यही तो वहां भी किया था कि constructive addition is greater than constructive or destructive addition, है ना? तो modulus में same किया था. अब जरा देखो यहां पर, बिकॉज मैं डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूं कीपिंग द मैग्नीट्यूड सेम. अगर OA लेंथ सेम रखो और AC लेंथ सेम रखो और इनका डायरेक्शन को चेंज करो, राइट? तो ये एंगल को ध्यान से देखो, ये एंगल अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? अगर ये एंगल इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? उसके लिए ऐसे ऐसे ऑब्जर्व करो ध्यान से. ये जो मैं आपको फॉर्मेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको देखो ऐसे, है ना? दिस इज ओ, जहां पर मैंने होल्ड किया हुआ ये है ए और ये एंड है सी, ये वाला एंड सी है, राइट? और ये वाला एंगल की बात करो मैं, आई एम टॉकिंग ऑफ एंगल ओ ए सी. इफ ओ ए सी दिस एंगल इज इंक्रीज ऐसे तो क्या होगा? ऐसे देखो, ऐसे ये एंगल कम है तो ये रिजल्टेंट है ये OC, और जैसे जैसे ये एंगल को बढ़ाएंगे, एंगल A इंक्रीज करते जाएंगे ऐसे, तो OA प्लस AC विल इंक्रीज, नॉट इंक्रीज, इट विल रिमेन सेम, बट OC विल इंक्रीज. जैसे जैसे एंगल A बड़ा होगा, O और C के बीच की डिस्टेंस बड़ी होगी, और जब ये एंगल 180 हो जाएगा तो OC OA और AC के सम के इक्वल हो जाएगा. इज दैट क्लियर? सारे बच्चे इस बात को कंफर्म करो कि बाय इंक्रीजिंग ए
by increasing angle A, the OC increases in length, and therefore if angle A become 180 degree, then OA plus AC will become OC. तो यहाँ इक्वालिटी भी हो सकती है, और इक्वालिटी की कंडीशन क्या है, तो यहाँ लिख दो इक्वालिटी होल्ड्स, राइट डाउन, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, इक्वालिटी होल्ड्स इफ एंगल ओ ए सी बिकम 180 डिग्री पाई, और जब ये 180 हो जाएगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल जीरो हो जाएगा, और ये एंगल क्या है, ये वाला एंगल, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन जेड वन एंड जेड टू, दैट इज थीटा बिकम्स जीरो, यस आर नो, थीटा जीरो का मतलब होता है कि जेड वन एंड जेड टू आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन, को डायरेक्शनल, इसका मतलब है कि आर्ग्यूमेंट जेड वन इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट जेड टू, ये फाइनल कंक्लूजन है, इज दैट ट्रू, इक्वालिटी होल्ड्स इफ आर्ग्यूमेंट जेड वन इक्वल टू आर्ग्यूमेंट जेड टू, एंड अदरवाइज अदरवाइज मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू इज ग्रेटर देन मॉड जेड वन प्लस जेड टू, तो ये है ट्राइंगल इन इक्वालिटी, और इक्वालिटी की कंडीशन ये है. सो इतनी बात समझ में आ गई, तो जस्ट लेट मी नो, कंफर्म करो इस बात को. हाँ जी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी एंड कंडीशन ऑफ इक्वालिटी, इज दैट क्लियर? तो इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट इसी डायग्राम पर, ये डायग्राम बना के रखो, इसी डायग्राम पर एक और बात डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है? वो क्या है बेटा, ए बी को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन ए एंड बी, अगर मैं ए को बी से ज्वाइन कर देता हूं ऐसे, बी, अब अगर मैं बी से ए की तरफ या ए से बी की तरफ, है ना, ऐसे एक एरो ड्रॉ मार्क करता हूं, तो इन ये लिखो, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ऑल्सो इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी ट्राइंगल में व्हाट आई कैन सी दैट ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, वेक्टर ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, इज दैट क्लियर? एंड देयरफॉर आई कैन से भाई हेड टू टेल ऐड किया, कुछ नहीं, ओ ए, अब जेड वन का एरो हेड अगर ए बी के एरो हेड से ज्वाइन, एरो टेल से ज्वाइन किया तो ओ बी आ गया, ओ ए इज जेड वन प्लस ए बी वेक्टर, दूसरा वाला जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का, इज इक्वल टू जेड टू, तो आ गया ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, जेड टू माइनस जेड वन. दिस इज अगेन अ वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन कि ओ बी वेक्टर जो है ना, पर इंफॉर्मेशन तो ये थी कि जो ओ बी वेक्टर है, ओ सी, ओ सी वेक्टर है जेड वन प्लस जेड टू, और दूसरी इंफॉर्मेशन जो ए बी वेक्टर है ये जेड टू माइनस जेड वन है, या बी ए वेक्टर जो है वो जेड वन माइनस जेड टू है, मतलब पैरेललोग्राम की जो दो डायगनल है, जो मेन डायगनल है वो तो समेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ऑफ डायगनल है वो डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये वाली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये वो जेड वन माइनस जेड टू या जेड टू माइनस जेड वन है, अगर ऐसे डायरेक्शन है, अगर उल्टा डायरेक्शन कर देंगे ऐसे, है ना, तो जेड वन माइनस जेड टू होगा, तो जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के टेल से जो डायगनल है वो है दोनों का सम, और ऑफ डायगोनल जो है वो दोनों का डिफरेंस है. तो अगर मैं इन ट्रायंगल ओएबी, इसी ट्रायंगल में बात करूं, तो यहां भी तो बोल सकता हूं
कि OA plus OB is always greater than equal to AB. तो यहां से इनइक्वालिटी आएगी, Z1 plus Z2 mod is greater than equal to mod of Z1 minus Z2. ये दूसरी ट्रायंगल इनइक्वालिटी है. और यहां पर इक्वालिटी कब होल्ड करती है ये लिख लो और इसको आप अपने आप वेरीफाई करना. इक्वालिटी होल्ड्स इसका और इसका सम, इस सम से हमेशा बड़ा होगा. और जैसे जैसे ये एंगल को आप इंक्रीज करते जाओगे तो ए बी इंक्रीज करेगा. एज थीटा इंक्रीजेस ए बी इंक्रीजेस एंड देयरफॉर इफ थीटा बिकम्स 180 देन ए बी बिकम्स ओ ए प्लस ओ बी. Equality holds when theta that is equal to 180 degree या pi. और theta है क्या? Theta है, ये angle alpha है मान लो और ये angle beta मान लो, है ना? तो theta क्या है? Theta is beta minus alpha. और beta क्या है? Argument of Z2, है ना? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होता है भाई? रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से उस उसके वेक्टर का एंगल. तो बीटा जो है वो Z2 का आर्ग्यूमेंट है, अल्फा एंगल जो है वो Z1 का आर्ग्यूमेंट है. आर्ग्यूमेंट Z2 माइनस आर्ग्यूमेंट Z1 इज इक्वल टू पाई और 180 डिग्री. ये है, इसका मतलब है कि यहां पर इक्वालिटी की कंडीशन क्या है? तो कंडीशन ऑफ इक्वालिटी होगी क्या? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस पाई. तो ये दो आउटकम है जो इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आउटकम. ठीक है, मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू इज ग्रेटर देन मॉड जेड वन प्लस जेड टू एंड इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन आर्ग्यूमेंट जेड वन इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट जेड टू. मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू इज इक्वल टू जेड वन माइनस जेड टू का मॉड एंड इक्वालिटी होल्ड्स इफ आर्ग्यूमेंट जेड टू माइनस आर्ग्यूमेंट जेड वन इज या argument Z2 is pi plus argument Z1. करने का मतलब दोनों opposite direction में हो जाएंगे. When Z1 and Z2 are in opposite direction, that is Z1 and Z2 in opposite direction. और obvious ही बात है ना, opposite direction की number को subtract करने पर उनका magnitude add हो जाता है. तो वही concept यहां से connect हो गया. ठीक है जी, तो ये पूरा concept था जिसको बोलते हैं triangle inequality. Shall I go to next slide? अगर सभी लोगों ने नोट कर लिया तो अगली स्लाइड पे चलें बेटा. ये कॉन्सेप्ट वैसे भी जब ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एंड में कराऊंगा इस ईयर के प्लस वन के एंड में, तो ये बातें फिर से रिवाइज होंगी और उस पर कई सारे सम्स भी करेंगे. अभी सिर्फ अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे थे तो उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात आई थी तो उससे रिलेटेड है इसलिए मैंने बता दिया. ठीक है, तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यही था. ये मैंने वही बताया कि आर्गुमेंट जेड वन प्लस आर्गुमेंट जेड टू इज ग्रेटर आर इक्वल टू मॉड जेड वन प्लस जेड टू. इक्वालिटी इफ जेड वन एंड जेड टू आर को डायरेक्शनल मींस दे हैव सेम आर्गुमेंट. सिमिलरली आर्गुमेंट जेड वन प्लस आर्गुमेंट जेड टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड जेड वन माइनस जेड टू एंड इक्वालिटी होल्ड्स बिन आर्गुमेंट जेड वन माइनस आर्गुमेंट जेड टू इज पाई मींस दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन. और इसी को जनरलाइज करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के समेशन का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू देयर समेशन ऑफ देयर इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड. ठीक है, और इक्वालिटी तभी होल्ड करेगी जब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर एक ही डायरेक्शन में हो. इफ ऑल लाई इन द सेम डायरेक्शन देन इक्वालिटी होल्ड मीन्स ये सारी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट जब सेम होगा तब इनका मैग्नीट्यूड एड हो जाएगा एड करने पर. अब ये दो क्वेश्चन है, जरा आंसर करो. ऑल दो ये थोड़ा सा मतलब इंटरप्रिटेशन, पहला वाला तो सिंपल है क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया, बट दूसरे वाले का थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन चैलेंजिंग है. तो लेट्स ट्राई. अच्छा, यहां से एक और बात आपने सीखी वो भी जरा नोट करके लिख दो. ठीक है, ये जो डिस्कशन है इस डिस्कशन में एक बात क्लियर है बट आई डोंट नो वेदर यू कैन डायरेक्टली इंटरप्रेट विदाउट आई इलस्ट्रेट इट. ठीक है,
तो मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, आप उसको नोट, स्पेशल नोट करके लिखेंगे इस बात को जो मैं बता रहा हूँ। वो स्पेशल नोट क्या है, राइट इट डाउन। ये देखो बेटा, ये यहां से अगर ये बात आप समझ गए हो तो यहां से ये भी बोल सकते हो कि ए बी लेंथ जो है वो क्या होगी, मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू। तो ये जो मेन डायगोनल है ये मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू है, ओसी है ना, ओसी इज मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू, दोनों के समेशन का मैग्नीट्यूड। बट ए बी जो है मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ध्यान से देखो, ए पॉइंट क्या है जेड वन, और बी पॉइंट क्या है जेड टू, और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है जेड वन माइनस जेड टू का मॉड। तो लिख दो इट इज डिस्टेंस बिटवीन जेड वन एंड जेड टू, डिस्टेंस बिटवीन जेड वन एंड जेड टू। तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की डिस्टेंस होती है, और ये कोई नई बात नहीं है। इवन रियल नंबर में भी तो यही पढ़ा था आपने कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज डिस्टेंस बिटवीन एक्स माइनस वाई, याद है, मॉड एक्स माइनस ए इज डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ए। तो डिस्टेंस ऑफ जेड वन फ्रॉम जेड टू, एवरी पॉइंट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिफरेंस का मैग्नीट्यूड उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ जेड वन फ्रॉम जेड टू और वाइस वर्सा। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी जो आपने नोटिस की फर्दर, ठीक है। नाउ नाउ गोइंग टू द क्वेश्चन। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन फटाफट जल्दी करिए, आउट करो क्विक। बोले फाइंड द रिलेशन बिटवीन द आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन एंड जेड टू इन फॉलोइंग केसेस। पहला केस में क्या बोलेंगे हम, ये तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी का, इक्वालिटी का केस है, तो बोलेंगे आर्ग्यूमेंट जेड वन और आर्ग्यूमेंट जेड टू में क्या रिलेशन है बोलो। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने से उनका मैग्नीट्यूड ऐड हो गया, ये कब होता है जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो। तो आर्ग्यूमेंट जेड वन इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट जेड टू, ये फर्स्ट, ऐसे बी पार्ट में दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया, एडिशन का मैग्नीट्यूड उनके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है। कब होगा ऐसा, कब ऐड करने पर, दो वेक्टर को ऐड करने पर उनका मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट होगा, कब होगा ऐसा, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो यहां से हो जाएगा क्या होगा बोलो, आर्ग्यूमेंट जेड वन इज इक्वल टू पाई प्लस आर्ग्यूमेंट जेड टू, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, 180 से रोटेट करके तब जेड टू आएगा, मतलब जेड वन अगर फॉरवर्ड है तो जेड टू उसी के जस्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। सी पार्ट, सी पार्ट में बोलो, सब्ट्रैक्ट करने पर मैग्नीट्यूड ऐड हो गया, वो भी वही बात है सेम, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर उनका मॉड ऐड हो गया, तो यहां पर भी वही आएगा कंडीशन, क्या आर्ग्यूमेंट जेड वन इज पाई प्लस आर्ग्यूमेंट जेड टू। एंड व्हाट अबाउट द डी पार्ट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो गया, ऐड करने पर ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट करने पर सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो इसका मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, राइट। तो यहां पर आएगा फर्स्ट वाला केस, आर्ग्यूमेंट जेड वन इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट जेड टू। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इलस्ट्रेशन का डिस्कशन था। सेकंड आप सोचो इफ यू कैन, 2 मिनट का टाइम है, फिर मैं इसको इंटरप्रेट करने के लिए जो एक बात मैं बता रहा हूं उसको यूज करो, क्या मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, मॉड जेड वन माइनस जेड टू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ जेड वन फ्रॉम जेड टू, डिस्टेंस ऑफ जेड वन फ्रॉम जेड टू। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप यूज कर लोगे तो बहुत इजीली आंसर आ जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अब देखो, अगर अगर हम इस कॉन्सेप्ट से इसको इंटरप्रेट करें, है ना, तो व्हाट डू यू से
ये दो नंबर का डिफरेंस है ना, मॉड ऑफ जेड माइनस, ये नंबर टू माइनस आयटा इज लेस देन इक्वल टू टू। जेड को अगर मैं मान लू एक्स प्लस आयटा वाई, एक नंबर एक्स प्लस आयटा वाई है, एक नंबर है टू माइनस आयटा, इनका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस ऑफ जेड, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम टू माइनस आयोटा इज लेस और इक्वल टू टू। अगर मैं इक्वालिटी कंसिडर करूं, अब यहां पर आप मुझे बताओ कि अगर मैं बोलता हूं कि मॉड ऑफ जेड माइनस टू माइनस आयोटा इज इक्वल टू टू, मीन्स व्हाट? इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जेड का डिस्टेंस टू माइनस वन से, टू माइनस आयोटा से दो यूनिट है। जेड कोई भी नंबर हो सकती है, बट टू, टू माइनस आयोटा तो एक फिक्स नंबर है। वेयर इज टू माइनस आयोटा? अगर मैं बोलू वेयर इज टू माइनस आयोटा, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे टू माइनस आयोटा एक टू कॉमा माइनस वन पॉइंट है, टू कॉमा माइनस वन पॉइंट है। तो मान लो ये पॉइंट है टू कॉमा माइनस वन, टू माइनस आयोटा। अब इस पॉइंट से जेड टू यूनिट डिस्टेंस पर है, तो जेड कोई भी नंबर हो सकती है यहां से दो यूनिट पर। तो मान लो ये जेड है, तो ये जो डिस्टेंस है ये हो गया जेड, ये डिस्टेंस को क्या बोलोगे? तो ये जेड है, ये टू माइनस आयटा है, तो ये वेक्टर हो जाएगा तुम्हारा जेड माइनस टू माइनस आयटा, ये वाला वेक्टर, जेड माइनस टू माइनस आयटा। और ये वेक्टर का डायरेक्शन बेसिक चेंज होगा जेड को मूव करने पर, बट डिस्टेंस तो सेम रहेगी। मतलब जेड लाइज ऑन अ सर्कल, दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल जिसका सेंटर क्या है, सर्कल विद सेंटर टू माइनस आयटा एंड रेडियस टू। ठीक है, कोशिश करो, ट्राई करो इसको समझने का। मैं नहीं बोलता कि ये बिल्कुल कमांड, मैं आप कोशिश कर रहा हूं इसको कि कंसेप्चुअली आपको समझा दूं, बाद में ज्योमेट्री में ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अभी नहीं समझ में आएगा तो एब्सोल्युटली तुम्हारा कोई लॉस नहीं है। ओके, तो हमने क्या बोला कि जेड वन और जेड टू के बीच का डिस्टेंस होता है मॉड जेड वन माइनस जेड टू। तो ये जेड वन को जेड ले लिया, जेड टू को टू माइनस आयटा, तो उनके बीच का डिस्टेंस दो यूनिट या उससे कम है। इसका मतलब जेड या तो इस सर्कल, अगर जेड इस सर्कल पर है तब तो जेड और टू माइनस आयटा का बीच का जो डिस्टेंस है वो टू यूनिट है। मतलब ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला इक्वेशन से, और लेस देन टू का मतलब इस सर्कल का इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ सर्कल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। मतलब इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लाइज इनसाइड दिस सर्कल, देन इट विल, देन द डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम टू माइनस आयटा, जेड यहां भी हो सकती है, यहां भी, यहां कहीं भी हो सकती है जेड, एवरी पॉइंट इन दिस ऑन आर इनसाइड दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स दिस कंडीशन। अब जरा देखो, ये टू कॉमा माइनस वन है, मतलब है कि अगर मैं इसको करेक्टली लोकेट करूं आर्गन प्लेन पर तो कुछ ऐसा होगा। आर्गन प्लेन पर अगर आप देखोगे ना, ऐसा नहीं, जस्ट ऐसा देखो ध्यान से। हाँ जी, ऐसे ऐसे होगा सिचुएशन। अभी जैसे मैं डायग्राम कंप्लीट ड्रॉ करूंगा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जस्ट हैव पेशेंस। देखो अब सिचुएशन क्या है कि ये पॉइंट टू कॉमा माइनस वन है। देखो ये डिस्टेंस कितनी है, वन है, और ये डिस्टेंस कितनी है, टू है। ये टू कॉमा माइनस वन है, टू कॉमा माइनस वन, और ये एक्स एक्सिस रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, मॉड जेड क्या होता है? मॉड जेड होता है ओरिजिन से जेड का डिस्टेंस, है ना। अगर मान लो जेड यहां है, सपोज करो ये जेड है, तो मॉड जेड क्या होगा? ओरिजिन से डिस्टेंस, ये मॉड जेड है।
बट बिकॉज जेड कैन बी एनी नंबर, जेड तो इस सर्कल पर जितना मैंने शेड किया इस डिस्क की कोई नंबर हो सकती है, तो जेड कहां कहां पॉसिबिलिटी है, तो मैंने बोला ओरिजिन उसका टेल होगा और जेड वेक्टर तो कहीं भी हो सकता है ना, इट कैन लाई एनीवेयर, तो जेड कैन मूव, जेड यहां भी हो सकता है, जेड यहां भी हो सकता है ना, ये जेड कैन गो टू एनी पॉइंट ऑन दिस डिस्क, कहीं पर भी जा सकता है, ऐसे इधर भी जा सकता है, तो मॉड जेड इसकी लेंथ होगी इस वेक्टर की, अभी ये लेंथ थोड़ी कम है लेकिन अगर इसको और आगे ले जाएंगे तो बढ़ जाएगी लेंथ, मॉड जेड मैक्स क्या होगी, मॉड जेड मैक्सिमम क्या होगा, जब ये यहां आ जाएगा डायमेट्रिकली अपोजिट, और मॉड जेड मिनिमम क्या होगा, मॉड जेड मैक्सिमम एंड मॉड जेड मिनिमम, ये दोनों आप देख सकते हैं कि अगर ये अगर जेड यहां आ गया यहां तो ये मॉड जेड मैक्सिमम का कंडीशन होगा, और मिनिमम होगा जब जेड यहां हो यहां पर, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, देखो इस सेंटर को सी मान लो, ठीक है, और ये पॉइंट को ए मान लो, दिस सेंटर इज सी, ये सेंटर ऑफ द सर्कल इज सी, और इसको बी मान लो, इस वाले एंड को बी मान लो, तो मॉड जेड मैक्स क्या होगा, तो ये होगा तुम्हारा ओ ए, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी ए, सी ए तो रेडियस है तो कांस्टेंट है टू यूनिट, ओ सी मतलब ये सेंटर का मैग्नीट्यूड, तो ओसी हो जाएगा तुम्हारा रूट ऑफ 1+4 एंड प्लस सी ए इज 2, आ जाएगा 2+√5 एंड मॉड जेड मिनिमम जो होगा इट इज इक्वल टू ओ सी ओ बी, ओ बी इज नथिंग बट ओ सी माइनस सी बी एंड ओ सी डेफिनेटली √5 है और सी बी 2 है, √5 - 2, तो मॉड जेड की लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू रिस्पेक्टिवली 2+√5 एंड √5 - 2 है। अब अगर आप अभी इंटरप्रेट कर लेते हो तो इट्स वेल एंड गुड, और अगर अभी इंटरप्रेट करने में आपको कहीं भी थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है तो उसके लिए मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उस समय इसको अच्छे से आप समझ पाएंगे, ठीक है, अदरवाइज मैं एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ करके आपको सेंड कर दूंगा सेपरेटली, उस पर ज्यादा अच्छे से दिख रहा होगा, अभी इसमें नेटवर्क थोड़ा सा स्लो, ठीक है जी। तो ये तो हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, सब्ट्रैक्शन का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसका लिखिए अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा एक रूल फटाफट, जो हमने प्योरली इमेजिनरी नंबर के लिए बताए थे बेटा उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी नोट कर लो, क्लोजर लॉ, बिकॉज अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन जेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, हाँ क्या नोट करना है बोलो, ठीक है, तो इफ देर आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इफ यू ऐड देम तो एडिशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उनका, ठीक है, और अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो सम एंड डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा पॉइंट, कम्यूटेटिव लॉ, तो ये भी आपने देख लिया, कम्यूटेटिव लॉ क्या है, जेड वन और जेड टू को ऐड करो या जेड टू प्लस जेड वन करो एक ही बात है, और जेड वन जेड टू को मल्टीप्लाई करो या जेड टू को जेड वन से मल्टीप्लाई करो एक ही बात है, मतलब एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर कम्यूटेटिव इन नेचर, बस लॉज लिखते जाओ फटाफट, जिसको भी चाहोगे अपने आप वेरीफाई भी कर सकते हो, क्योंकि रियल नंबर को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट कर ऐड एंड मल्टीप्लाई करना कम्यूटेटिव होता है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कम्यूटेटिव होता है। एसोसिएटिव लॉ,
तीन नंबर है जेड वन जेड टू जेड थ्री, पहले आप कोई भी दो को ऐड करके फिर तीसरे को ऐड करो, रिजल्ट सेम आएगा। तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है एडिशन के लिए भी और मल्टीप्लीकेशन के लिए भी, तो बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर एसोसिएटिव ऑल्सो। रीजन वही है, रियल नंबर्स का एडिशन और मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है, इस वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर का भी रियल एडिशन और मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यहां भी वही है सेम कि मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जेड वन टाइम्स जेड टू प्लस जेड थ्री, तो जेड वन जेड टू से मल्टीप्लाई होगा, फिर जेड वन जेड थ्री से और एड या सब्ट्रैक्ट होगा रिस्पेक्टिवली। जीरो एड करने से कोई नंबर चेंज नहीं होती, वन से मल्टीप्लाई करने पर चेंज नहीं होती, इसलिए जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी और वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ये रियल में भी था, यही कॉम्प्लेक्स पर भी होल्ड करता है। फिर आते बात कॉन्जुगेट एलिमेंट, ये मैंने उस दिन बता ही दिया था कि फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ए प्लस आयटा बी देयर लाइज एन एलिमेंट ए माइनस आयटा बी, मतलब एक ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट जेड के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट जेड के इमेजिनरी पार्ट का इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन है, तो उसको हम जेड बार बोलते हैं। एडिटिव इनवर्स, जो नेगेटिव ऑफ नंबर को हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, और रेसिप्रोकल ऑफ नंबर को हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोलते हैं। तो ये तो कल की क्लास में हमने बता ही दिया था, यहां तक पूरा कॉन्सेप्ट स्ट्रेट अवे है, एक जगह समराइज हो गया। हाँ, जो मैंने बोला कि इफ जेड इज 5 प्लस 12 आयटा, राइट, तो फाइंड जेड बार एंड 1 बाय जेड, क्विक जल्दी बोलो। तो जेड बार क्या होगा, तो 5 माइनस 12 आयटा, और 1 बाय जेड क्या होगा, तो 1 बाय जेड इज जेड बार अपॉन जेड इंटू जेड बार, सो इट इज 5 माइनस 12 आयोटा अपॉन जेड और जेड बार का प्रोडक्ट मॉड जेड का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा तुम्हारा 25 प्लस 144, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 माइनस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 169, ठीक है। तो किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट और उस नंबर का रेसिप्रोकल ये लिखना आपको आता है, कॉन्जुगेट क्या है और उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है, ये आता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस आयोटा टैन थीटा क्या होगा, जल्दी बोलो। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है 1 प्लस आयोटा टैन थीटा, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 बाई जेड क्या होगा, लिखो, जेड कॉन्जुगेट इज 1 माइनस आयोटा टैन थीटा अपॉन जेड का मैग्नीट्यूड का स्केयर, तो 1 प्लस टैन स्केयर थीटा, क्योंकि मॉड जेड जो होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसको लिखना चाहो तो 1 बाई सीकेंट स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा टेन अपॉन सीकेंट स्क्वायर, तो टेन होता है साइन अपॉन कॉस, तो एक कॉस तो कैंसिल हो जाएगा सीकेंट से, तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसी को कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू कॉस थीटा टाइम्स कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ऐसा, समझ रहे हो, मतलब है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना, इस नंबर का मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा वन से छोटा होगा, तो अच्छी बात है। ये क्लोजर लॉ, कमिटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है, वन मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव इनवर्स क्या है, और कैंसिलेशन लॉ तो एज इट इज है जैसा पहले आपने देखा था, है ना। कैंसिलेशन लॉ क्या है कि जेड वन प्लस जेड टू, अगर जेड वन प्लस जेड थ्री है तो जेड वन कैंसिल कर सकते हैं, और जेड वन इंटू जेड टू इज इक्वल जेड वन इंटू जेड थ्री, तो जेड वन कैंसिल कर सकते हैं प्रोवाइडेड जेड वन जीरो नहीं है, ठीक है। तो जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे कुछ भी वर्क कर रहे होंगे तो इन बातों को यूज करेंगे, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है जब भी अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन कर रहे होंगे, तो इसको नोट कर लिया, क्वेश्चन पे चले।
सो लेट्स गो टू द क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन करते हैं, उसके पहले मैं आपको रिकॉल करा दूं कि मैंने बताया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होती हैं जब उनका रियल पार्ट के इक्वल हो, इमेजिनरी इमेजिनरी के, या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और आर्ग्यूमेंट भी सेम, है ना. और दूसरी बात मैंने बताई थी, ये इंपॉर्टेंट बात है जिसको मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ, कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑर्डर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती हैं क्योंकि ये वेक्टर्स होती हैं, ठीक है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डू नॉट फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, इसलिए कहीं पर अगर लिखा हुआ है कि ए प्लस आयोटा बी इज ग्रेटर देन सी प्लस आयोटा डी, तो ये मीनिंगलेस है. ये तभी मीनिंगफुल हो सकता है जब आयोटा बी और आयोटा डी वाला टर्म ना हो, प्योरली रियल नंबर्स हो, मतलब बी और डी जीरो होगा तभी इसका कोई मीनिंग हो सकता है. इफ बी इज जीरो डी इज जीरो, तब ए ग्रेटर देन सी, ए इज अ रियल नंबर, सी इज रियल नंबर, रियल नंबर्स फॉलो प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स डू नॉट फॉलो प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, राइट. क्वेश्चन करिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई. इन इक्वेशंस को सॉल्व करिए और एक्स वाई अगर रियल है तो एक्स वाई ऑर्डर पेयर की पॉसिबल वैल्यूज बताइए, क्विक, जल्दी से. अब व्हेनेवर आई गिव यू एन इक्वालिटी ऑफ दिस काइंड, कि लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट हैंड साइड में देखो तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, है ना, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, तो इक्वालिटी के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स वाई रियल है. जैसे ए पार्ट आप मेरे साथ साथ सॉल्व करो, सिंस एक्स एंड वाई आर रियल, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रियल है और एक्स वाई भी रियल है, तो ये प्योरली ए प्लस आइटा बी के फॉर्म में है ना. तो कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एलएचएस का रियल पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आरएचएस का रियल पार्ट क्या है, फाइव, इट इज इक्वल टू फाइव, एंड एलएचएस का इमेजिनरी पार्ट क्या है, टू एक्स वाई, और आरएचएस का इमेजिनरी पार्ट क्या है, ट्वेल्व. ये दो इक्वेशन आ गया बेटा. इसका मतलब है कि 2xy 12 का मतलब ये भी होता है कि 2 से डिवाइड कर दो, तो इफ यू डिवाइड बाय 2 यहां पर आ जाएगा 6. x और y का प्रोडक्ट क्या है, 6. तो 6 के दो फैक्टर करो जिनका स्क्वायर का डिफरेंस 5 हो. तो एक तरीका तो ये है कि हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करो, 6 के दो फैक्टर करो तो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2. तो 3 इंटू 2 इज 6 एंड 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज 9 माइनस 4 5. तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, या x इक्वल टू माइनस 3 एंड y इक्वल टू माइनस 2, ठीक है. एक तरीका ये है डायरेक्टली जजमेंट लेना कि ब्रेक 6 इंटू 2 फैक्टर्स सच दैट द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 5. तो 6 के फैक्टर तो आप देख सकते हो, 3, 2, 1, 6, 6, 1, यही सब हो सकते हैं अगर इंटीजर फैक्टर की बात करें तो. बट ये मैंने बोला है ट्रायल एंड एरर है. अदरवाइज सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो अदरवाइज तरीका ये है कि y की वैल्यू 6 अपॉन x लिख दो और इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 36 बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 5. तो आ जाएगा तुम्हारा x की पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वेयर माइनस 36 0. अब यहां तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करो बेटा, तो एक्स की पावर 4 माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0. तो यहां से एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो गया, प्लस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो गया, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 आपने कॉमन ले लिया तो आया एक्स स्क्वायर प्लस 4. बिकॉज एक्स रियल नंबर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो 0 नहीं हो सकता, ये 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9. तो एक्स की वैल्यू माइनस 3 एंड 3 दो आ गई. अब एक्स की वैल्यू माइनस 3 डालेंगे कहाँ पर, ये सेकेंड इक्वेशन में. ये एलिमिनेशन मेथड किया, सेकेंड इक्वेशन से वाई को एलिमिनेट कर दिया फर्स्ट में वाई की वैल्यू प्लेस करके, और फिर x अगर माइनस 3 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2, और x अगर 3 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2. तो हमारे पास एक आया 3, 2 ऑर्डर्ड पेयर,
और एक आया -3, -2 ऑर्डर पेयर. तो दीज आर द टू ऑर्डर पेयर्स एज सॉल्यूशंस. तो ए पार्ट का आंसर आ गया. ऐसे बी और सी पार्ट का आंसर फटाफट निकालो. बी पार्ट एंड सी पार्ट क्विक जल्दी से. सात्विक बेटा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी तभी जब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगी. अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जो है वो इवन स्कूल्स के लिए भी नहीं आई है. कोचिंग सेंटर्स की बात तो बहुत दूर है. ठीक है, वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस. द मोमेंट गवर्नमेंट अलाउज अस वी आर देयर टू ओपन ऑफलाइन. ठीक है, तब तक के लिए थोड़ा सा और सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आती है तो ये हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एक दिन आपका जो है वो डाउट सेशन जैसा प्लान किया जाए. ठीक है, तो होपफुली एक दो वीक के अंदर में वो चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे कि वन डे विल बी अ डाउट सेशन जहां पर आप आ करके ग्रुप्स में सारे नहीं एक साथ और ऑफिस में आकर के प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं वगैरह. सेकेंड पार्ट को इसी तरह से करो फटाफट. दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वालिटी की बात कर रहे हैं हम लोग. क्या आंसर आया बताओ. बी पार्ट में. ए पार्ट तो सबको क्लियर था ना. ए पार्ट में जरा कंफर्म कर दो सभी लोगों को समझ में आ गया. पार्ट ए सारे बच्चों का हो गया कि नहीं. अगर ए पार्ट में ऐसा क्वेश्चन दिया जाए आपको तो आप उसको कर जाएंगे अब कि नहीं. रियल पार्ट को रियल. इसमें ध्यान यही देना होता है कि जो आप रियल पार्ट आइडेंटिफाई कर रहे हो वो एक्चुअली रियल पार्ट है कि नहीं. ठीक है, रियल पार्ट होता है जिसमें आयोटा बिल्कुल नहीं है. आयोटा का आयोटा फैक्टर वाला टर्म को छोड़ के बाकी सब रियल पार्ट होता है प्रोवाइडेड कि वेरिएबल्स एक्स वाई रियल है. जैसे इसमें एक्स वाई अगर रियल नहीं है तब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रियल पार्ट नहीं होता. इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको. ठीक है जी, सो गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट. अब यहां पर रियल पार्ट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना, और राइट हैंड साइड में रियल पार्ट क्या है, टू एक्स. एक इक्वेशन ये आ गया और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करो तो थ्री वाई इज इक्वल टू 2+y². इट इज मच सिंपलर वन एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन. यहां से क्लियर कट फर्स्ट वाले को अगर आप सिंप्लीफाई करो तो फर्स्ट वाला आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1 0. ये परफेक्ट स्क्वायर है तो दिस इंप्लाइज एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर 0. दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू 1. जबकि सेकेंड वाले से करेंगे बेटा तो वाई स्क्वायर माइनस 3y+2 0 है ना. तो यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका इजीली फैक्टर हो रहा है वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस टू इक्वल टू 0. तो यहां से y के दो वैल्यू आ गई. क्या क्या, y इक्वल टू 1 और 2. और ये एंड है, दिस एंड दिस, ये दोनों के बीच कनेक्शन क्या एंड है. मतलब अगर x1 है तो y1 भी हो सकता है, x2 1 है तो y2 भी हो सकता है. तो ऑर्डर पेयर क्या आएंगे, 1, 1 और 1, 2. तो देर आर टू ऑर्डर्ड पेयर्स. एक्स कॉमा वाई के लिए हमारे पास दो वैल्यूज हैं, 1, 1 और 1, 2. क्योंकि एक्स की वैल्यू तो 1 ही है, वाई के दो वैल्यूज है. तो ए पार्ट इज डन, बी पार्ट इज डन, सी पार्ट. बोला गया सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई. एक्स स्क्वायर प्लस 3 + 3y - 6 iota is greater than 2x + i 4 - y². What do you say? What is your outcome? क्या conclusion आप यहां से लोगे? Order property के बारे में क्या discuss हुआ हमने? क्या discuss किया order property के बारे में?
कि ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी से बड़ा है या छोटा है, ऐसा लिखने का क्या मतलब होता है? इसका सबसे पहला मीनिंग होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट दोनों में क्या है, जीरो। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन बी कंपेयर्ड बाय ग्रेटर और लेस साइन इफ एंड ओनली इफ द इमेजिनरी पार्ट इज जीरो। ना रियल पार्ट विद आयोटा नहीं, इमेजिनरी पार्ट, आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं बेटा। अपने आप नॉमिनलेचर नहीं करो कोई भी। तो सी पार्ट की बात अगर करें तो लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट ऑफ एलएचएस, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एलएचएस इज जीरो, इट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ आरएचएस। तो एल एच एस में इमेजिनरी पार्ट है 3y-6, तो 3y-6 जीरो होगा। एंड आर एच एस में है 4-y2, 4-y2 भी जीरो है। ऐसा किया तो यहां से आया y की वैल्यू 2 एंड यहां से आया y की वैल्यू -2 and 2। एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो ऑब्वियसली y बिलोंग्स टू सिंगलटन 2 आएगा। तो y की तो सिर्फ एक वैल्यू है भाई, कि ये इनइक्वालिटी तभी होल्ड कर सकती जब y की वैल्यू 2 हो जाए, क्योंकि y को तो 2 होगा तो LHS का भी इमेजिनरी पार्ट वैनिश कर जाएगा, RHS का भी इमेजिनरी पार्ट वैनिश कर जाएगा, तब LHS भी प्योरली रियल नंबर हो जाएगी, RHS भी प्योरली रियल नंबर हो जाएगी। एंड अब मान लो ये और ये वैनिश हो गया, तो आ गया x² + 3 > 2x हो गया। तो यहां से आ जाएगा x² - 2x + 3 > 0 हो गया। अब ये कब ट्रू होगा, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर आया, जल्दी बोलो तो देखे क्या आंसर आता है आपका। हेलो, क्विक जल्दी रिप्लाई करो, इसका क्या फाइनल सॉल्यूशन आ रहा है, कैसे कैसे सॉल्व करेंगे इस इनइक्वालिटी को? एक्स रियल नंबर है, रियल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? अरे बोलो भाई। वेरी गुड वेरी गुड। तो इस ऐसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए वेविकर मेथड लगाते हैं, बट पहले हम देखेंगे कि इसके रूट्स क्या हैं वेविकर मेथड के लिए। तो वेरी फैंटास्टिक, इसका डिस्क्रिमिनेंट डी है बेटा, वो है 4-12 < 0 और लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है। तो मैंने क्या बोला था कि ऑलवेज पॉजिटिव, यस, तो दिस इज पॉजिटिव फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल, एक्स की कोई भी रियल वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा। तो आंसर आ गया एक्स बिलोंग्स टू रियल, वाई इज सिंगलटन टू एक्स बिलोंग्स टू रियल सेट। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर इसको सेटिस्फाई करेंगे? इन्फिनिट मेनी ऑर्डर्ड पेयर, मतलब एनी एक्स कॉमा टू विल सेटिस्फाई द inequality C for all x belongs to real। ठीक है, तो ये हुआ algebraic rule, addition, subtraction, multiplication और division का concept, और उससे related जो भी threaded concept है, चाहे वो triangle inequality हो, चाहे वो triangle inequality का जो है वो equalities की conditions हो, सब पे problem बन सकती है। चाहे आप दो नंबर्स का समेशन वाला वेक्टर कौन सा होता है और डिफरेंस वाला वेक्टर कौन सा होता है, दूसरा z1-z2 मॉड का मतलब क्या होता है, z1 और z2 के बीच के डिस्टेंस, और ऑर्डर प्रॉपर्टी, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, क्या कंडीशन है। तो इतनी बात समझ में आ गई, मतलब अलजेब्रा आपको प्रॉपरली समझ में आ गया। ठीक है, अब आप कोई क्वेश्चन करोगे तो गलतियां आपसे, कंसेप्चुअल एरर तो नहीं होगी। नाउ लेट्स मूव अहेड। ठीक है, अब पहले तो आप ऐसा करेंगे,
क्वेश्चन नंबर टू और थ्री सॉल्व करो, फर्स्ट अभी मत करो, क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व करो। सेकेंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन मुझे बताओ। यार आता पहले सेकेंड का सोल्यूशन बताओ, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा और फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उसके बाद। पहले सेकेंड बोल रहे हैं एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स, देन सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द सोल्यूशन, एक्स वाई की क्या वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। आपके पास दो मिनट टाइम है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, टेक योर टाइम। हाँ जी, क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें? आरएचएस में तो बिल्कुल बेटा क्लियर है, रियल पार्ट दिख रहा है, व्हाट इज रियल पार्ट एंड व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट। आरएचएस में दिस इज रियल पार्ट बिकॉज 2x इज रियल, 3y इज रियल, दिस इज प्योरली रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इज 5, तो 5 इज द इमेजिनरी पार्ट, तो दिस वन इज रियल पार्ट एंड 5 इज इमेजिनरी पार्ट, नॉट आयोटा। वेयर एज इन एल एच एस यू हैव टू डू अ लिटिल एफर्ट, आयोटा वाले टर्म को सेपरेट आउट करना पड़ेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर जाएंगे तो ऐसा लिखेंगे हम 2x स्क्वायर माइनस 3y, ये रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट प्लस आयोटा टाइम्स 3x स्क्वायर प्लस 2y, ये तुम्हारा आयोटा इज इक्वल टू 2x माइनस 3y प्लस 5 आयोटा। अब कंपेयर करोगे तो रियल पार्ट को अगर कंपेयर करो, रियल पार्ट ऑफ LHS, LHS का रियल पार्ट क्या, 2x स्क्वायर माइनस 3 इंटू वाई, तो आप बोलोगे 2x स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 3y एंड 3x स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 5। नाउ यू हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशन, एक ये इक्वेशन एक इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करना है तो आसान है, यहां से देखो 3y तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आया 2x into x माइनस 1 0, तो यहां से x की वैल्यू आई 0 और 1 एंड यहां से आया तो वही 3x स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 5 है ना। तो अब x 0 है, दो केस बनेंगे, x इक्वल टू 0 तो क्या आएगा, तो x को 0 पुट कर दो तो 2y इज इक्वल टू 5, यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 5/2, ये y की वैल्यू जो 5/2 है x इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगी, बट अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तब क्या आएगा, तो इफ x इज इक्वल टू 1 पुट इनटू द सेकंड इक्वेशन, क्योंकि दोनों इक्वेशन एक साथ सॉल्व होंगे, तो x को 1 पुट करेंगे बेटा तो 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहां से दो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, एक तो आ रहा है क्या x 0, 5/2 आ रहा है, और दूसरा ऑर्डर पेयर क्या रहा, 1, 2 आ रहा है, एक्स 1 है वाई 2 है वो भी सेटिस्फाई करेगा, एक्स 0 है वाई 5/2 है वो भी सेटिस्फाई करेगा। इज दैट क्लियर, सारे बच्चे कंफर्म करेंगे, ये बात समझ में आ गई, क्विक जल्दी से रिप्लाई करो। हाँ, y की वैल्यू 2 नहीं 1 आएगी, यू आर वेरी करेक्ट। टू वाई अगर 2 है तो y इक्वल टू 1 है, बिल्कुल ठीक है। तो अब इसी तरह से सेकेंड पार्ट भी आप करेंगे, बट आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, आई विल टेक अराउंड 5 मिनट टू एक्सप्लेन।
हाउ टू गेट द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, अगली क्लास में उसको दोबारा रिवाइज कर दूंगा, अभी समझो आप। जैसे मान लो अगर आपको ये पता करना हो, है ना, टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ थ्री प्लस फोर आयटा, ये चाहिए, तो हम मान लेंगे कि लेट इट बी एक्स प्लस आयटा वाई, लेट कर लो लेट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करने की प्रोसेस को, और फिर क्या करेंगे, ये एज्यूम कर लिया, फिर क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग कर दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर रूट का क्या पहचान होता है, स्क्वायर रूट को स्क्वेयर करके नंबर आ जाती है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्या आएगा, थ्री प्लस फोर आयटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आयोटा, टू एक्स वाई आयोटा, यही आएगा। अब इसके बाद बेटा क्लियर है कि क्या करना होगा, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एलएचएस एंड आरएचएस, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई थ्री और टू एक्स वाई आ गया फोर, मतलब एक्स और वाई का प्रोडक्ट आ गया टू, एक्स इंटू वाई क्या आ गया टू। अब हमें टू के दो फैक्टर करने हैं जिनके स्क्वायर का डिफरेंस थ्री हो, तो टू का फैक्टराइजेशन में हम लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू टू, में इसको टू लिख दें, इसको वन लिख दें, या इसको माइनस टू, इसको माइनस वन, क्योंकि एक्स का मैग्नीट्यूड बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर सबट्रैक्ट करके थ्री आ रहा है, तो टू स्क्वायर इज फोर वन थ्री आ जाएगा, तो इसका मतलब यहां से हमारे को मिला कि एक्स इज इक्वल टू टू एंड वाई इज इक्वल टू वन, और x इक्वल टू माइनस टू एंड y इज इक्वल टू माइनस वन, तो देयरफॉर हमारी जो कॉम्प्लेक्स नंबर आई रूट ऑफ थ्री प्लस फोर आयटा क्या होगा, इट इज इक्वल टू प्लस माइनस टू प्लस आयोटा, x की वैल्यू टू डाल दिया यहां पर, y की वैल्यू वन डाल दिया, है ना, एक बार x की वैल्यू माइनस टू, y इक्वल टू माइनस वन, तो ये आ गया। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने जो हिट एंड ट्रायल से कर लिया, अगर ये ना कर पाए हम तो क्या करेंगे, तो उसका तरीका मैंने आपको बताया था कि y को 2 by x डाल दो, put y as 2 by x in the original case, तो आ जाएगा x square minus 4 by x square is equal to 3, तो यहां से आ जाएगा x की पावर 4 minus 3 x square minus 4 equal to 0, फिर ये बेटा फैक्टराइज हो जाएगा, है ना, ऐसे x 4 minus 2 x square माइनस फोर एक्स स्क्वायर, माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन जीरो, ये जीरो हो नहीं सकता क्योंकि एक्स रियल है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू फोर आ जाएगी, तो यहां से एक्स की वैल्यू प्लस माइनस टू आ जाएगी, और ये x की वैल्यू डालेंगे यहां पर तो y आ जाएगा कोरस्पॉन्डिंगली माइनस वन एंड प्लस वन, प्लस वन एंड माइनस वन वैल्यू, तो आपके पास दोनों तरीके हैं। तो ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ दैट नंबर को x प्लस आयटा वाई मान के स्केयरिंग करो, रियल और इमेजरी पार्ट को कंपेयर करो, सॉल्व करो, आपका आ जाएगा, ठीक है। तो जितना डिस्कशन आज हुआ है इसके बेसिस पर आपको आपके जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आप अब ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट मॉड्यूलस और आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी पर बेस्ड हैं, कंजुगेट की प्रॉपर्टी पर, वो अगली क्लास में क्लियर हो जाएगा, तो एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट हो जाएगी टॉपिक वाइज। और आपको जो असाइनमेंट मिली है उसमें आप टेक्सुअल असाइनमेंट वन एंड टू कर सकते हैं, और गेम वन आपको दिया गया वो पूरा कर सकते हैं, गेम टू भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो लेट्स
क्लोज द कॉल हियर, कल की क्लास में इसके आगे से डिस्कशन स्टार्ट होगा. नहीं, कल तो आपकी कोई क्लास है नहीं आई थिंक. ठीक है, कल कोई क्लास नहीं है. तो अब हम क्या करेंगे कि अभी कल और परसों जो आपकी डाउट क्लास होगी उसके अंदर में हम लोग यही डिस्कस करेंगे. गेम वन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और टेक्सुअल असाइनमेंट वन के डिस्कशन करेंगे. तो आप ये दोनों करके रखना और एनसीईआरटी. तो इस पर जो भी डाउट होंगे वो डाउट सेशंस में डिस्कस होंगे. ठीक है बेटा, ओके.